गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल कुमार। एजुकेशन प्लस पैशन इज इक्वल टू एडुपैशन। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड वीडियो ऑफ एसोप। ठीक है, ये हमारा चैप्टर चल रहा था एसोप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इट इज ऑफ बीकॉम ऑनर्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो इस ऑफ चैप्टर में अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, बाकी इसमें टॉपिक कंसेप्ट मैं आपको समझा ही चुका हूं। फर्स्ट वीडियो आप दोबारा देख सकते हो, और इसमें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन वन कह रहा है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, 1 अप्रैल 2008, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को समझते चलेंगे। 1 अप्रैल 2008 को इसॉप इशू करे उसने 5000 शेयर्स, ठीक है, एट द रेट ₹15 पर शेयर। फिर उसके बाद बोला गया है कि मार्केट प्राइस पर शेयर वो दिया हुआ है ₹60, मतलब एम्प्लॉय को एसोप है देना है 5000 शेयर्स ₹15 का, ठीक है, जो जनरली हमारे पिछले क्वेश्चंस में निल प्राइस आया हुआ था। यहां पे ₹15 है जिसका मार्केट प्राइस ₹60 है, और जब ये हमारा एक साल खत्म होता है 31 मार्च 2009 को, और फिर सेकंड ईयर हमारा खत्म होता है यहां पे 31 मार्च 2010 को। बीच में इन्होंने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इस डेट पे, ये वाली जो डेट है दैट इज 30 नवंबर 2008, इस डेट पे 1000 जो शेयर्स हैं, जो 1000 ऑप्शंस हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। मतलब जिन लोगों को 1000 शेयर दिए थे वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, और हमने अपना वेस्टिंग पीरियड रखा होगा 2 इयर्स। इस क्वेश्चन में हमारा वेस्टिंग पीरियड है 2 इयर्स, ठीक है। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि 31 दिसंबर 2009 में 500 लोग, जिनको, जिन लोगों को 500 ESOP दिया हुआ था, वो भी कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो चलो ये पहली बात हम क्या समझते हैं, 5000 शेयर्स यहां पे हैं, यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने शेयर्स रह गए, 1000 माइनस हो गए तो यहां तक 4000 शेयर्स रह गए। फिर यहां पे 500 और कैंसिल हो गए तो यहां पे कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, 3500 ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब हमें अकाउंटिंग करनी है। तो इसकी अकाउंटिंग करने से पहले पहले आप ये क्वेश्चन एक बार लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। हमारे पास 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, कंपनी कहती है 2 साल मेरे पास काम करोगे तो मैं तुम्हें 5000 शेयर्स दे दूंगी, ठीक है। अब कुछ लोग थे जिनको 1000 शेयर दिए हुए थे, उन लोगों ने कंपनी छोड़ दी तो वो कैंसिल हो गई इस डेट पे 30 नवंबर 2008 पे। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 31 दिसंबर 2009 को कंपनी छोड़ दी तो 500 शेयर उनके पास है, वो भी कैंसिल हो गए। तो लास्ट में आते आते 3500 ऑप्शंस जो हैं वो एक्सरसाइज हो गए, मतलब वो लोगों ने शेयर ले लिए, ठीक है। चलो इसके लिए हम अपनी बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, वो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई हुई है। सबसे पहले हम निकालते हैं लॉस टू कंपनी, क्योंकि हमें लॉस राइट ऑफ करना होता ना, तो पहले हम निकालते हैं लॉस कितना है, पर शेयर लॉस कितना है, लॉस टू कंपनी पर शेयर दैट इज ₹60 मार्केट प्राइस है, और मैं उनसे ₹15 लूंगा तो मुझे एक शेयर पे ₹45 का लॉस आ रहा है, ठीक है। चलो ये तो हमारा लॉस आ गया। फिर उसके बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं, मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखना है। यहां पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कंप्यूटेशन
ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि ये कैलकुलेशन ही मेन है, बाकी जर्नल एंट्री बनाना तो बहुत इजी है। कैलकुलेशन अगर आपने कर ली उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। कंपटीशन ऑफ एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड, टू बी रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट ईच ईयर, हर साल आपको P&L अकाउंट में कितना रिकॉर्ड करना है उसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल एग्जिस्टिंग ऑप्शंस, ये आपको याद रखना है, टोटल एग्जिस्टिंग ऑप्शंस इनटू लॉस पर शेयर, लॉस पर शेयर डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड, टोटल वेस्टिंग पीरियड, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड, मतलब कितना टाइम ओवर हो चुका है, टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से टोटल एक्सपेंसेस, मेरे पास थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस टोटल एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट, इन P&L अकाउंट इन प्रीवियस ईयर्स, इन प्रीवियस ईयर्स। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में, हर हिसाब के क्वेश्चन में आपको यूज होगा जहां भी आपके ऑप्शंस कैंसिल होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक था, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला यूज करने स्टार्ट करें क्योंकि पहले क्वेश्चन में कोई कैंसिल नहीं हो रहा था। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम लिखते हैं 31 मार्च 2009 को कितने कैंसिल होंगे, मतलब कितना हम P&L में शो करेंगे। तो डेट है 31 मार्च 2009, इसमें कितना कैलकुलेशन होना चाहिए, टोटल एग्जिस्टिंग ऑप्शन कितने हमारे पास, देखो ये आपके पास पेज है, टोटल एग्जिस्टिंग यहां तक आते आते आपके पास कितने ऑप्शन है, 4000, क्योंकि देखो 5000 थे, 5 में से 1000 कैंसिल हो गए तो 4000 बचे, हमारी पहली डेट यहां पे होगी, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है वहां पे टोटल एग्जिस्टिंग ऑप्शंस है हमारे पास 4000, और लॉस पर शेयर हमने निकाला हुआ था 45, तो लॉस पर शेयर इज 45 डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड, टोटल वेस्टिंग पीरियड 2 साल का है, ठीक है, तो ये 2 ईयर्स हो गया, इंटू 1 टोटल लैप्स्ड वेस्टिंग पीरियड, यहां पर कितने साल बीत चुके हैं, 1 साल, ठीक है, माइनस टोटल एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन P&L, अभी तक मैंने कितना रिकॉर्ड करा हुआ है, क्योंकि ये पहला ही साल है जिसका एंड आ रहा है, तो पहले मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा हुआ, तो वहां पे आंसर आ जाएगा आपका निल। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा जो आंसर आ रहा है दैट इज 90,000, तो पहले साल में मुझे 90,000 लॉस को राइट ऑफ करना है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट ईयर की डेट 31 मार्च 2010, वहां पे हमारे पास कितने ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, सर 500 और माइनस हो गए तो 3500 एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां पे हेयर वी विल राइट 3500 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, कितने लैप्स हो चुके हैं, 2 साल बीत चुके हैं, माइनस और कितना हम अमाउंट शो कर चुके हैं एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड 90,000, तो यहां पे मैं माइनस करूंगा 90,000, सो आई विल गेट द आंसर 67,500, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन हमारी है, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इसको दो अमाउंट को याद रखना, फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करें 90,000, सेकेंड ईयर में 67,500। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे आपको जर्नल एंट्रीज बनाता हूं, ठीक है। तो हमारी आ रही है जर्नल एंट्रीज, देखो बच्चों पहली जो डेट है यहां पे 1 अप्रैल 2008 को कोई भी एंट्री नहीं होगी, वो मैं आपको बस लिख के दिखा रहा हूं, आपको लिखना नहीं है पेपर में। तो पहली एंट्री आपकी स्टार्ट कब होगी, 31 मार्च 2009, ठीक है। इसमें 2 एंट्री होंगी, पहली एंट्री मैंने क्या बताई थी, एम्प्लॉइज
कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हाउ मच अमाउंट 90,000 टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट 90,000। देखो हम एक्सपेंस बढ़ा रहे हैं, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, और अभी हम लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, एक्सपेंस भी बढ़ रहा है। फिर हमने क्या किया, जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम पी एंड एल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हो गया पी एंड एल अकाउंट डेबिट। देखो ये जो वर्ड है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसको हम इसॉप भी बोल सकते हैं, तो आप इसॉप भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आउटस्टैंडिंग वर्ड ज्यादा इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आउटस्टैंडिंग से मुझे ये क्लैरिटी आती है कि हाँ ये तो लायबिलिटी है। फिर जो ये मेरा एक्सपेंस है इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक सॉरी एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट कितना 90,000। तो ये एक्सपेंस तो मैंने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, बस ये दो एंट्री की कॉम्बिनेशन चलते हैं। अब बताओ 31 मार्च 2010 को क्या एंट्री होगी, सेम एंट्री, ठीक है, एम्प्लॉइज मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 90,000 टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट सॉरी दूसरे ईयर का जो अमाउंट था हमने फर्स्ट सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट 67500, तो यहां पे जो अमाउंट आएगा दैट इज 67500, ठीक है। फिर दोबारा हम पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट दैट इज 67,500, ठीक है, ये दो साल का मेरा अकाउंटिंग होगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये दो साल की अकाउंटिंग होने के बाद थर्टी फाइव हंड्रेड ऑप्शन हमारे एक्सरसाइज हो चुके हैं, तो इस केस में बेटा अभी तक पुराने जो भी हमने क्वेश्चन करे हैं उस केस में हमारे पास पैसा नहीं आ रहा था, ठीक है, हमने क्या किया था, जो एक्सरसाइज प्राइस था वो नील था, बट इस केस में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा एक्सरसाइज प्राइस है वो 15 रुपए का है, मतलब हमें 15 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कितनी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एक 90,000 ये वाली लायबिलिटी रेज हुई थी, एक बार ये वाली लायबिलिटी रेज हुई है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके दो तरीके हो सकते हैं, इसको हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, ये हो गया मेथड वन, दिस इज मेथड टू, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो पहला मेथड है कि जो हमारा था ये हम कब करेंगे, 31 मार्च 2010 को एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है, डेबिट। तो हम क्या कर रहे हैं, द अमाउंट इज 157500, ये अमाउंट कैसे आया, 3500 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए थे इनटू 45, ठीक है। देखो 45 कैसे था, हमारा जो लॉस था वो 45 रुपीस का था, क्योंकि 15 रुपए तो मुझे मिल ही जाएंगे, तो जो मेरी लायबिलिटी है वो मेरी इतने रुपीस की बन रही है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर मैं इसको टोटल करता हूं 90,000 प्लस
67500, तो ये हमारे पास देखो वही अमाउंट बन के आ रहा है 157500, ठीक है। या आप इसको मल्टीप्लाई 3500, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहे थे 3500, ठीक है। तो 3500 × 45, इतनी लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हुई थी। ये लाइबिलिटी हम खत्म कर रहे हैं और हमारे पास पैसा भी आ रहा है, देखो हमारे पास पैसा भी आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, हमारे पास पैसा भी आ रहा है। कितना पैसा आ रहा है? 52500। सर ये कैसे आया? देखो 3500 लोगों ने शेयर एक्सरसाइज करे और उन्होंने पर शेयर मुझे 15 रुपए दिए थे। 15 रुपए क्यों दिए थे? क्योंकि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि उन्होंने 15 रुपए एक्सरसाइज प्राइस बताया हुआ है, इसका मतलब 15 रुपए तो उन्होंने दे ही दिए लास्ट में, ठीक है। तो इतने पैसे मेरे पास आ गए, राइट। फिर क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी जो हमारी, हम उनको क्या दे रहे हैं? हम उनको शेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा जब भी शेयर देते हैं वो हम क्या करते हैं, दैट इज 35000, ठीक है। हम शेयर देते हैं हमेशा फेस वैल्यू पे, तो ये अमाउंट कितना हो गया 3500 × 10। सर 10 कैसे? देखो हमें फेस वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, हमेशा इस बात का ध्यान रखना आपको कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको फेस वैल्यू नहीं दी हो, शेयर की बाय डिफॉल्ट 10 रुपीज होती है, और अगर कभी भी डिबेंचर का क्वेश्चन होता है और आपको फेस वैल्यू नहीं दी हुई तो हमेशा ही उसको 100 रुपीज लेते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो जिंदगी भर कभी भी अकाउंट्स करोगे तो आपको शेयर वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज लेनी है और डिबेंचर की 100, ठीक है। तो यहां पे 10 रुपीज है। फिर उसके बाद क्या हुआ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी कहां चली जाती है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। देखो 10 रुपए का शेयर था और 60 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू थी, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे अमाउंट हो जाएगा 175000, 1,75,000। ये कैसे आया? सर ये 3500 था और 50 रुपए प्रीमियम हो गया उसका, ठीक है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर अगर 60 में जा रहा है तो इसका मतलब 10 रुपए तो उसकी फेस वैल्यू हो गई, हमेशा शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आती है, और जो रिमेनिंग है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड था, आई होप ये समझ आया होगा। हमारी लाइबिलिटी इतने रुपए से कम हो गई और हमारे पास कुछ पैसे भी आ गए और हमने क्या दिया, उनको शेयर कैपिटल दी, बट शेयर कैपिटल में अमाउंट हमेशा आता है फेस वैल्यू का, और जो हमारे पास हमने एक्स्ट्रा पैसे, मतलब हमने जो आपका प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास मेथड टू, ठीक है। यहां पे मैं आपको करा रहा हूं मेथड टू। मेथड टू क्या कह रहे हैं, पहले तो आप लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है। इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कितने पैसे हमारे पास आए, देखो यहां मैंने कैलकुलेट वैसे भी करा ही हुआ है, ठीक है। उन्होंने हमें 3500 × 15, ये मुझे उन्होंने पैसे दिए, ठीक है। तो यहां पे अमाउंट हमारा आ गया 52500, 52500, ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो फिर हमारे पास जितनी लाइबिलिटी बची, ठीक है, ये लाइबिलिटी कितनी बची, 2,10,000। हमने शेयर कैपिटल कितने का इशू किया, 35,000, और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया 1,75,000, ठीक है। बच्चों हम या तो सिंगल एंट्री कर सकते हैं या दो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, कि जो पैसा आया उसकी अलग एंट्री कर दी, फिर उसके बाद हमने जितनी भी लाइबिलिटी थी उसको खत्म किया। कैसे खत्म किया, शेयर कैपिटल देके। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या होता है, फेस वैल्यू आती है, तो ये हो गया 3500 × 10 आया, और यहाँ पे कितना आया, जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा था ये वही वाला अमाउंट है जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया, ठीक है। चलो ये दो मेथड है, आप कोई भी मेथड इसको अप्लाई कर सकते हो।
सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन. अब एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर हमारा ये शॉप का काफी हद तक फंडा क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन कर सकते हो आपके एग्जाम में. ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है. क्वेश्चन टू, ये कह रहा है 1 अप्रैल 2001. ठीक है, दिस इज 31 मार्च 2002, दिस इज 31 मार्च 2003, और एक साल और दिया हुआ है 31 मार्च 2004. आपका वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स का, मतलब कंपनी को ज्वाइन करते हो तो 3 साल के बाद आपको ऑप्शंस आप एक्सरसाइज कर सकते हो. ठीक है, तो अभी मैं कितने ऑप्शन आपको ऑफर कर रहा हूं, कंपनी कितने ऑप्शन ऑफर कर रही है आपको, ये सब दिया जा रहा है 15,000. मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कहा गया है 40. ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज्ड प्राइस ये आपको दिया हुआ निल, मतलब आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा. सो यू नीड टू फाइंड लॉस पर शेयर कितना है. देखो 40 रुपए मार्केट प्राइस है और आपसे कुछ भी नहीं ले रहे, तो लॉस पर शेयर इज 40 माइनस 0, दैट इज 40. ठीक है, तो 40 रुपए आपका लॉस हो गया कंपनी का. ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके यहां पे 1 अगस्त 2000, यहां पे मैं दूसरे पेन से लिखता हूं, 1 अगस्त 2001 में 1000 शेयर कैंसिल हो गए. ठीक है, और यहां पे इस डेट पे, इसी डेट पे, इस तारीख को 8000 शेयर कैंसिल हो गए, और यहां पे जितने कितने शेयर एक्सरसाइज किए 6000. देखो 15 में से एक माइनस हुआ तो 14 रह गए, 14 में से 8 कैंसिल हो गए, तो लास्ट में 6000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको मैंने डिकोड करके क्वेश्चन बता दिया इस फॉर्मेट में. आपको क्वेश्चन को जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी फॉर्मेट में डिकोड करना है. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, द फर्स्ट थिंग इज कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट ईच ईयर. ठीक है, तो हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं. अब फॉर्मूला मैं दोबारा लिखना नहीं चाह रहा, मैं उसी पेज को आपको एक बार शो करता हूं. ये हमारा फॉर्मूला था. ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है तो इस फॉर्मूले को आपको याद भी रखना है. ठीक है, चलो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसमें पुट करते हैं. तो पहला जो साल है वो कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2002 में. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टोटल एग्जिस्टिंग ऑप्शन यहां पे कितने हैं, टोटल एग्जिस्टिंग ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, 14,000. ठीक है, 15 माइनस 1, दैट इज 14,000. 14,000 इंटू लॉस पर शेयर 40,000 आया, डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स है. ठीक है, और कितना पीरियड अभी तक लैप्स हो चुका है, 1 साल अभी जा चुका है. यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो 1 साल जा चुका है, तो टोटल वेस्टिंग पीरियड लैप्स्ड. ठीक है, ये इतना हो गया. माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड और रिकॉर्डेड इन P&L, तो यहां पे अभी तक हमने कुछ नहीं किया. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ये, तो यहां पे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो ये कैलकुलेशन आ रही है
6667, ठीक है, मतलब 186,667, ठीक है। फिर बात आती है 31 मार्च 2003 की, ठीक है, यहां पे इसी डेट पे 8,000 ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितने शेयर बचे हैं आप यहां तक इस डेट पे, देखो 15 में से एक 14 माइनस है ना, 14 में से यहां पे 8 माइनस हो गए तो कितने बचे 6,000, तो वी विल राइट 6,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 3, टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स है, कितने लैप्स हो चुके हैं 2 साल, माइनस कितना अभी तक हम शो कर चुके हैं 186667, ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है -26667, ठीक है, नेगेटिव आंसर आ रहा है, दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव आंसर आने का मतलब ये है कि मैंने एक्सपेंस ज्यादा शो कर चुका हूं पहले, ठीक है, मतलब आप पहले ज्यादा खर्चा ही शो कर चुके हो, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मतलब इसमें रिवर्स एंट्री होती है, क्योंकि आप ज्यादा एक्सपेंस शो कर चुके हो तो अब आप पीएनएल अकाउंट को इस केस में डेबिट नहीं करोगे, इस केस में क्रेडिट करोगे, ठीक है, वो मैं अभी जनरल एंट्री में समझाऊंगा, ठीक है। चलो फिर हमारा थर्ड ईयर की भी एंट्री कर लेते हैं 2004 में, यहां तो यहां पे कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, यहां तक भी 6,000 ही, जब यहां तक 6,000 रह गए थे, बीच में तो कोई कैंसिल नहीं हुआ, यहां भी कोई कैंसिल नहीं हुआ, इसका मतलब यहां तक 6,000 है, तो 6,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 माइनस, अब देखो माइनस क्या करेंगे, जो ऑलरेडी हम इनको शो कर चुके हैं, तो ये माइनस करेंगे 186667 एंड, मतलब एक ये अमाउंट है और दूसरा अमाउंट ये है -26667, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 1,60,000, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 3 से 3 कट गया, तो ये हो गया 2,40,000 2,40,000 आ रहा है, -1,60,000 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 80,000। तो 2004 में हमें कितना पीएनएल में रिकॉर्ड करना है, +80,000, ठीक है, बस ये माइनस वाली जो इश्यू है उसको आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पेज उठाते हैं, अब इसकी मैं जनरल एंट्री कर रहा हूं, आपने तीन अमाउंट ध्यान में रखने, पहला है 186667, दूसरा है -26667, तीसरा है 80,000, ठीक है। सो वी आर डूइंग जर्नल एंट्री, ठीक है, तो पहली एंट्री आपकी होगी 31 मार्च 2002, तो पहली एंट्री क्या होती है आप सबको पता ही है, क्या लिखेंगे, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, व्हाट वाज द अमाउंट 186667, ठीक है, सो आई विल राइट 186667, ठीक है, 186667, टू ईसॉप लिख देता हूं, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लिख दो या आप लिख दो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, अकाउंट, तो यहां पे आपका अमाउंट आ गया 186667। फिर उसके बाद इसी डेट पे एंट्री क्या होगी, इसको हमने एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, 186667 186667, ठीक है। फिर हमारी एंट्री आती है 31 मार्च 2003 में, ठीक है, हमारी एंट्री क्या है, हमारी एंट्री होगी ये फर्स्ट ईयर खत्म, तो हम लिखते हैं एम्प्लॉइज
कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप, है ना, ये लिखना है, बट हम ये नहीं लिखेंगे, हम इसको काटते हैं, ठीक है। जानबूझ के मैंने आपको लिख के दिखाया है ओनली टू शो कि ये वाली एंट्री तो हमारी नेगेटिव में थी, तो हमारा एक्सपेंडिचर तो है नहीं, बल्कि हमें तो उल्टा पैसे लेने, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो हमारी एंट्री होगी एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ठीक है। तो हम क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पैसा शो करा हुआ था, तो इस पैसे को हम पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। देखो हमारा पी एंड एल अकाउंट बढ़ गया 26667, बस इसमें यही एंट्री होगी, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं बींग एक्सेस अमाउंट ऑलरेडी चार्ज्ड इन पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। चलो फिर हमारा डेट आती है 31 मार्च 2004, तो इस डेट को एंट्री क्या होगी, वही दो एंट्रियां चलेंगी सेम जैसे ये वाली दो एंट्रियां थी। तो मैं लिख देता हूं एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और तीसरा अमाउंट क्या था मैं आपको दिखा देता हूं, 80,000 था, ठीक है। दैट वॉज 80,000 टू ईसॉप। इस क्वेश्चन में मैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट के बदले ईसॉप यूज कर रहा हूं, आप क्योंकि दोनों का सेम मतलब होता है। 80,000 फिर हम पी एंड एल में ट्रांसफर करते हैं, तो यहां पे हो गया पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, दैट वॉज 80,000 and 80,000, ठीक है बच्चों। फिर इस डेट को जब हमने, अब हमारी ये थ्री इयर्स की हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है, तो इस डेट पे लास्ट में जब हम उनको शेयर इश्यू कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी। अगर क्वेश्चन में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था कि ये इसकी फेस वैल्यू भी 40 रुपीज है, मार्केट प्राइस भी 40 रुपीज है, फेस वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है कि 40 रुपीज है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में 40 रुपीज हमें फेस वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो लास्ट वाली एंट्री क्या लिखेंगे हम, ईसॉप, है ना, ये लाइबिलिटी हम खत्म कर रहे हैं, कितनी है 2,40,000, कैसे 6,000 शेयर पे 40 रुपए की हमारी लाइबिलिटी थी, क्योंकि लॉस हमारे 40 रुपए का था। हमारी लाइबिलिटी 2,40,000 की खत्म हो रही है, कैसे खत्म हो रही है, क्योंकि हम उनको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं, ठीक है। हमारी कैपिटल बढ़ रही है कितने रुपए की, 2,40,000 की, क्योंकि हमेशा इसमें फेस वैल्यू आती है, तो 6,000 × 40 ये हमारी पूरी की पूरी फेस वैल्यू इधर आ गई, ठीक है। तो फेस वैल्यू मार्केट प्राइस में अगर डिफरेंस होता तो वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में इधर शो हो जाता, ठीक है। तो ये लास्ट वाली ये वाली एंट्री है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ अवर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप इस नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक ईसॉप। तो मैंने आपको जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन होते थे वो मैंने सब आपको यहाँ पे करा दिए, ठीक है। चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सो सी यू, बाय।